भारतीय टीम के ऊपर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले साल हुए वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम जानबूझकर अपना मैच हारी थी। हाल ही में बेन स्टॉक ने अपनी बुक वन फायर में भारत के खिलाफ हुए मैच के बारे में जिक्र किया था और लिखा था कि एमएस धोनी की तरफ से इंटेंट देखने को नहीं मिला। इसके बाद फिर से वो मैच विवाद गया है। सूत्रों के माने तो अब्दुल रज्जाक ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बताया, हम इस मैच को देख रहे थे, हमें भी ऐसा लग रहा था, मेरे हिसाब से आईसीसी को फाइन लगाना चाहिए क्योंकि टीम अगर किसी दूसरी टीम को क्वालिफाई करने से रोकने के लिए जानबूझकर मैच हारती है तो उनके ऊपर फाइन लगाना चाहिए। ऐसा अच्छा गेंदबाज अगर अपनी काबिलियत के हिसाब से गेंदबाजी नहीं करे और रन दे तो ये बात ध्यान में जरूर आती है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत जानबूझकर हारा है, मैंने उस समय भी ऐसा कहा था और हर क्रिकेट को ऐसा ही लगा। एक खिलाड़ी जो बड़े शॉट खेल सकता है वो गेंद को डिफेंड कर रहा है। दरअसल आपको बता दें, सिकंदर वक्त ने ट्वीट करते हुए इस बात का दावा किया है कि बेन स्टॉक ने अपनी बुक में लिखा है कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम जानबूझकर हारी, जिससे पाकिस्तान की टीम पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। हमने पहले ही इस बात को प्रिडिक्ट कर दिया था। दूसरी तरफ मुश्ताक अहमद ने कहा कि भारतीय टीम हारकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं होने देना चाहती थी। मुश्ताक ने कहा कि वेस्टइंडीज के कुछ खिलाड़ियों ने मैच के बाद भारतीय टीम की मांग के बारे में मुझे बताया था। हालांकि बाद में बेन स्टॉक ने वक्त द्वार किए गए दावों को सिर से खारिज किया और कहा कि उन्हें ये कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने ये बोला ही नहीं, भारत जानबूझकर हमारे खिलाफ हारी है। यहां जिस मैच की बात हो रही है इसमें इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 पर 7 विकेट खोकर स्कोर बनाया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 306 पर 5 विकेट खोकर स्कोर ही नहीं बना पाई और 31 रन से इस मैच को हार गई। इस मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी के इंटेंट को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।